जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में आज पार्षदों ने सामूहिक बैठक कर लॉकडाउन के दौरान दो महिला पार्षद वार्ड नंबर 2 व वार्ड नंबर 46 जिनकी कोरोना संक्रमित हो जाने से मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आज नगर निगम में पार्षदों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया व दोनों महिला पार्षदों के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 50-50 लाख रुपए की धनराशि की सरकार से दिलाने की मांग की। वहीं सपा पार्षद देश दीपक यादव द्वारा बताया गया कि कोरोना काल में दोनों कोरोना फाइटर महिला पार्षदों की कोरोना संक्रमित हो जाने से मृत्यु हुई है, जिसका हम सभी पार्षदों को बहुत अफसोस है व हम सभी पार्षद मांग करते हैं कि दोनों महिला पार्षदों के वार्ड में इनके नाम की शर्त निर्माण कराई जाए, वे आर्थिक धनराशि पहुँचाई जाए। कोरोना की बीमारी हमें छोड़कर चली गई, इसके संबंध में आज हम सभी पार्षदों ने एक बैठक की और यहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। उसके बाद यहाँ सभी ने तय किया कि इनकी यादगार के रूप में इनके क्षेत्रों में सड़कों के नामकरण कराए जाएंगे, जिससे कि इन्हें हमेशा लोग याद रखें कि इन्होंने कोरोना में जनसेवा करते हुए अपनी जान दे दी। विधायक और सांसदों की तरह हम लोगों को सुविधाएँ तो होती नहीं है पार्षदों को, और सबसे ज़्यादा काम भी हम जनता के बीच सबसे ज़्यादा हम ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं। जैसा कि मेरे ताऊ जी ने बताया अभी कि 50 लाख रुपए का हम शासन से मांग करेंगे और 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अपने नगर निगम की तरफ से सदन के माध्यम से हम सभी पार्षद दिलवाएंगे। बड़े दुख के साथ हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया है, क्योंकि हमारे सभी दोनों साथी पार्षद जिनका कोरोना के महामारी के द्वारा जो निधन हुआ है, उस पर हमें सभी सभासदों को गहरा दुख पहुँचा है। उसी संबंध में इन पार्षदों की सहायता के लिए नगर निगम से हमने अपना प्रस्ताव रखा है कि इनको 5 लाख रुपए एक पार्षद को आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाए। वैसे जो दोनों पार्षद निगरानी समिति के सदस्य भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो इनको शासन से हमारी मांग है कि जिस प्रकार से और लोगों को जो सरकारी नौकरी में हैं उनको सहायता 50 लाख रुपए दी गई है, उसी प्रकार से हमारे इन पार्षदों की भी 50 लाख रुपए सरकार द्वारा दिए जाएं, जिससे इनका आर्थिक सहायता हो सके। भाई जो आदमी चला गया लौट के तो नहीं आ सकता, मगर उनके परिवार को इस सहायता से थोड़ा ढेर बंधेगा। और वैसे तो हम सभी सब पार्षद उनके परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं कि उनको ढेर धारण करने की ईश्वर शक्ति दे और उन पार्षदों को ईश्वर अपने चरणों में शरण दे।